गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई तापस दास गुप्ता वेलकम यू ऑल इन दिस मॉर्निंग क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप द यूनिट ट्रेवल्स यूनिट टू ट्रेवल। नेम ऑफ द चैप्टर इज जंगल सफारी। डियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट टेल मी, have you ever visited any national park or wildlife sanctuary? For example, Corbett National Park, where it is? It is in Uttar Pradesh. Bandhavgarh National Park is in Madhya Pradesh. Gir Wildlife Sanctuary is in Gujarat. Now we are going to start this lesson. Jungle Safari. My excitement, the writer. My excitement was at its peak. That means my excitement was at its height. मेरी उत्तेजना अपनी चरम अवस्था पर थी। We are going to visit Kanha National Park, which provided setting for Rudyard Kipling classic novel The Jungle Book. It is this Kanha National Park which provided an ideal setting for Rudyard Kipling's famous novelist, whose classical novel The Jungle Book. We slept early that night, so that we could get up early the next morning. So we retired to bed early in the night. As the alarm rang, my sister and I jumped out of our beds. My sister and myself jumped out of our beds. हम अपने बेड से चल पड़े and quickly started to get ready for one of a thrilling journey ever. और हम तुरंत तैयारी में लग गए हमारी सबसे thrilling journey के लिए। A visit to Kanha National Park on a boat. Really, it was a visit to Kanha National Park on a boat. A visit we conducted on a boat. This was the first time we are going to experience it. This is the first time in our life. That means this was the first time in life we are going to experience it, अनुभव करेंगे। And very thought infused feel in me. और ये सोचकर कि पहली बार हम नाव से सवारी करेंगे, ये सोचकर मेरे अंदर एक अजीब सा zeal मतलब enthusiasm मेरे अंदर क्रिएट कर। As we approached the lake, जैसे हम लोग lake के पास पहुँचे, the foggy weather was not good. चल धूम कुआसा छाई हुई थी। द फॉगी वेदर डिड नॉट डिटर आवर स्पीड, डिटर मींस डैम्पन, ओके। देयर वाज एन एक्सक्लूसिव बोट, स्पेशल बोट वेटिंग फॉर आवर फैमिली। देयर वाज एन एक्सक्लूसिव स्पेशल बोट वेटिंग फॉर आवर फैमिली। वी क्विकली हॉप इन द बोट, वी जंप इन द बोट। व्हाइल द मिस्ट अनफोल्ड ओवर द वाटर्स ऑफ द फास्ट आर्टिफिशियल लेक, आई मिसमराइज्ड मींस आई वाज थंडरस्ट्रक, ओके, बैम्बूजल्ड। I was mesmerized by the beauty of the nature around me. मैं काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया मेरे अगल बगल का नेचर को देखकर, प्रकृति। Soon the mist started clearing. फिर कुछ देर के बाद धूप छटने लगी। I saw the colors of the lake water turn from silver to golden. मैंने क्या देखा, झील की पानी के कलर सिल्वर से गोल्डन कलर में बदलने लगी। The rays of the sun kissed the water. सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जो है पानी को जो है लेक के पानी को किस करने लगी। उस डेजर माई आइस, मेरी आँखें चंदी आ गई। सडनली आई स्पॉटेड, लोकेटेड ए हर्ड समर डियर क्लोज टू द लेक वाटर। अचानक मैंने देखा कि एक समर डियर का झुंड जो है वो लेक वाटर के किनारे है। देयर एजिलिटी, एजिलिटी मींस व्हाट, फुर्ती एंड स्विफ्टनेस, तेजी। लेफ्ट मी इंप्रेस एज द डिस्पेयर इन द फॉरेस्ट हेस्टली। हर बाते हुए वो लोग जंगल में गायब हो गए। विद डिटरमाइंड रिजॉल्व एंड काम माइंड वी स्टार्टेड अवर ट्रेकिंग, स्टार्टेड अवर एक्सपेडिशन जर्नी। वी प्रिटेंडेड द नॉलेज ऑफ बियर्स, पाइथन्स एंड कोब्रास बी प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट डिडंट मैटर टू अस एट ऑल। हम ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, ऐसे शो कर रहे थे कि बियर्स, पाइथन्स, कोब्रास, ऑल दिस आर डेडली एनिमल्स, हाँ जंगल में है ये हमारे कोई मायने नहीं रखता, हम इसे डरते नहीं। बट वेयर वी आर नॉट फूलिंग आवरसेल्फ, क्या हम लोग अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना लें? कहने का मतलब यही है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं डर समाया हुआ है।
यस वी स्केयर्ड, स्केयर्ड मींस हम लोग डरे हुए थे, वी आर स्केयर्ड, वी आर मींस अफ्रेड, बट एट द सेम टाइम वी आर एक्साइटेड, लेकिन हम लोग साथ साथ हम लोग तेजित भी थे एंड कीन टू गो अहेड, वी आर वेरी कीन, वी आर वेरी एंथुसियास्टिक, वी डिटरमाइंड टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए. ऑन द वे वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट, रास्ते में हमने क्या देखा, फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट, हाथियों के पक्षी, बियर, भालू एंड टाइगर. वी सॉ ए वॉच टावर इन द फॉरेस्ट, वी सॉ ए वॉच टावर इन द फॉरेस्ट एंड हैड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ओके वी हैड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ दिस जंगल. टायर्ड, वी आर वेरी टायर्ड, वी आर वेरी एग्जॉस्टेड, हम लोग काफ़ी थक गए थे, वी आर टायर्ड बट एंथुसियास्टिक, लेकिन हमारे अंदर एंथुसियाज्म, जज्बा, जोश भरा हुआ था. वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रैक, वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रैक, ट्रैकिंग जर्नी, इट इज नाउ टाइम फॉर जर्नी बैक, अब हमारा समय हो गया वापस लौटने का. बट नॉट बिफोर वी हैड डिसाइडेड टू इमर्स, इमर्स में डुबोना और लेक्स द कूल वाटर ऑफ द लेक, लेकिन सिंपल हमने सोच लिया था कि झील की ठंडी पानी में अपने पाँव को डुबाऊँ. इट वॉज सो ब्यूटीफुल टू सी स्वैम्स एंड स्मॉल लिटिल फिश इन द वाटर अंडर फील, हमारे पाँव के तले छोटे छोटे मछलियों को देखने के बाद हमें और खुशी हुई. रियली इट वॉज ए वंडरफुल साइट, इट वॉज ए प्लीजेंट साइट. द साइट ऑफ द फैमिली ऑफ अ टाइगर, उसके बाद हमें नज़र एक बाघों की परिवार के ऊपर पड़ी. विच इज स्पॉटेड, वी स्पॉटेड इज लोकेटेड नोटिस जस्ट बिफोर द एंड ऑफ आवर जर्नी, हमें यात्रा समाप्त होने के पहले. लिटिल अमेज, वी आर वेरी मच सरप्राइज्ड, द फादर, द मदर एंड द टू बेबी टाइगर ऑल टूगेदर, द फादर टाइगर, द मदर टाइगर, टाइगर्स यू कैन से एंड द टू बेबी टाइगर्स कब्स ऑल टूगेदर, इट अपीयर एज दे जस्ट कम आउट टू मीट ऑल ऑफ अस, इट अपीयर एज इफ दे ऑल ऑफ देम हैव कम टू मीट अस, हु हैड कम लुकिंग फॉर देम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू मीट अस, हु हैड कम अ लॉन्ग अक्रो, हु हैड कम अ लॉन्ग अक्रो वे फ्रॉम दिल्ली, दैट मीन्स इट इज ourselves, okay. With this beautiful sight, with this beautiful sight, my boat journey of the Kenai National Park came to an end. With this beautiful sight, okay, my boat journey of the Kenai National Park came to an end. It was tha and remain an unforgettable experience for life. It was tha aur rahega an unforgettable experience, na bhulne wali experience, tajurba, anubhav. Of my life. Really, this expedition, this trekking, this journey, okay, was really memorable. Okay, it will always remain in the mind. That's all. I will do C2. On the basis of the story, read, organize the events in the correct order by writing the numbers in each sentence. All these sentences, okay, they are not written in correct sequence, they are written jumbled, okay, in words, so you can number it. First, let me read out the sequences, events. We saw the footprints of elephants, bears and tigers. There was a special boat for our family. We spotted a family of tiger. We began trek with calm minds. We got up early in the morning. We put our legs in the cool water of the lake. We saw a herd of somebody here close to the lake. So we have to end it in proper sequence, proper order. Okay, then jumble. First one will be, we got up early in the morning. We got up early in the morning. Second one, there was a special boat. Special is exclusive. There was a special boat for our family. There was a special boat for our. Number three, we began trek with calm minds. Number four, we saw the footprints of elephants, bears and tigers. Number five, we saw a herd of somewhere near close to the lake. Number six, we put our legs in the cool waters of the lake. Number seven, we spotted a family of tigers. Now, come to page number 35, C3. C3. Find the words for the given meaning from the text. Number one, discouraged from doing something. What is the answer? Deter. What is the answer? Deter. D-E-T-E-R. D-E-T-E-R. Deter. Got it? Quickness.
What is the answer? Swiftness. 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 Or slash, even slash, just like this. And write agility. 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 Got it? Now, third one is overwhelmed. What will the answer? Mesmerized. MESMERIACED. MESMERIACED. Mesmerized. Now, fourth one is expedition. The journey. You can answer me. Trek. 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 Now, we'll do the question answer. Answer the following questions briefly. In short, what is the narrator excited about? Narrator means the writer. Okay. What is he excited about? Kis baat ko zyada utejit hai? The narrator is excited. The narrator is excited about his visit to Kanha National Park. The narrator is excited about his visit to Kanha National Park. Question 2. How did the lake water turn from silver to golden? Kis tarah jhil ki pani silver se golden color tabdil ho gaya, change ho gaya, paribartan ho gaya. Okay, got it. When the mist started clearing and the sun rays began to fall on the water, the lake water turned from silver to golden. Once again, I am repeating the answer. Ek baar fir se main dohra raha hoon. When the mist started clearing and the sun rays begin to fall on the water, lake water turned from silver to gold. Got it? Third, was the narrator scared of wild animals in the forest? Scared means darna, afraid of. Was the narrator scared of wild animals in the forest? Give a reference for text to justify your answer. Yes, comma. Yes, the narrator was scared of wild animals in the forest. Full stop. As he entered the forest, comma, he saw the footprints of elephants, deer, and tiger. Once again, I'm repeating this answer. Yes, the narrator was scared of wild animals in the forest. Full stop. As he entered the forest, he saw the footprints of elephants, deer, and tiger. Now, C5. Words used like herd and swarm are collective nouns. Find collective nouns for a group nation group. A group of sheep. Group of sheep. Flock. FLOCK, flock. When sheep are in a group together, it is called flock. FLOCK, flock. Number 2, a group of wolves. What we call a group? Pack of wolves. Pack. PACK. PACK, packs. Number 3, a group of monkeys. What is spelling? Group of monkeys. A troop of monkeys. Troop of monkeys. Number 4, a group of geese. What is the answer? Gaggle. Gaggle. G-A-G-G-L-E. Gaggle. Number 5, a group of tigers. Group of tigers. Pride. P-R-I-D. Pride. P-R-I-D. Pride. Number 6, group of wolves. Group of wolves. What is the answer? Pod. P-O-D. Pod. P-O-D. Pod. Or give a slash and write. SCHOOL. Either you can write pod or school. Got it? This you read it yourself, question D. Okay. There are various, you can say, places, tourist places, Dal Lake, Srinagar, Rock Garden, Chandigarh, Golden Temple, Amritsar, India Gate, Delhi, Taj Mahal, Agra, Peacocks in Rajasthan, the Gate of Mumbai. This you read yourself. See, Asta lives in Kashmir. Asta lives in Kashmir. She is in class 4. During the summer vacation, she visited many places. During a tour, she clicked many photographs. During this tour, she met. She clicked various photographs, made no date of memorable places through Asta to Kashmir. You see, first of all, Dal Lake, Srinagar. Many Kashmiris and tourists live on houseboat. Many Kashmiris, the people of Kashmir, and tourists live on
houseboats. They live on the Dal Lake with water all around them. They live on the Dal Lake with water all around them. Boatmen bring different articles of daily need to the people in the houseboat. From Rock Garden Chandigarh. This has been built by Mr. Nek Chand. The famous Rock Garden Chandigarh has been built by Mr. Nek Chand. He used waste materials, trashes, okay, decorative instruments like bangles, tube lights, broken ceramics, electric wires and sockets, etc. to create human and animal figures. There are more than 5,000 sculptures in the garden. There are more than 5,000 sculptures in the garden. Golden Temple Amritsar, the center of Sikh religion. The main building of temple is built in the middle of the water tank. Water tank is built in the middle of the water tank. The building is covered with pure gold. The building is covered with pure gold. Khala Sona, pure Sona. The sacred, hexagram is holy. Book of the Sikh Guru Granth Sahib is kept in the shrine. Sikh Dharm ki sabse nami kitab Guru Granth Sahib rakha gaya hai. India Gate, Delhi. India Gate, Delhi. This is an ark built in the memory of soldiers of Indian Army who were killed in the World War I. ये एक आर्क बनाई गई है उन सैनिकों भारतीय सैनिकों की याद में जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे. इट इज़ अ 42 मीटर हाई इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर. इट इज़ अ 42 मीटर हाई इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर बहुत आकर्षित करने वाला. ताजमहल आगरा, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ताजमहल उपरी में इम्प्रेस शाहजहाँ ने मेमोरियल ताजमहल. ये ताजमहल वो किन्होंने बनाया था? बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी ताजमहल के यादगार. इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. सफ़ेद मार्बल की बनी हुई है एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द मूड लाइट चांदनी रात में बहुत खूबसूरत नजर आती है. इट हैज़ नाउ बीन नेम्ड अमंग द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. पीकॉक्स इन राजस्थान. राजस्थान में पीकॉक मोर. दीज आर वेरी अट्रैक्टिव बर्ड्स. दीज आर वेरी अट्रैक्टिव बर्ड्स आकर्षित करने वाली. दे आर सीन मेनी प्लेसेस इन जयपुर, जोधपुर एंड जयपुर राजस्थान. द फीडर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. द फीडर्स आर ब्यूटीफुल माइंड ब्लोइंग. We can also see pickup figures on the walls of old palaces in Rajasthan. It was really Rajasthan. The Gateway of India, Mumbai. It was built in 1924. It was built in 1924. In front of this structure, it is statue of Shivaji, the great leader. It is statue of Shivaji, the great leader. Now we'll read the text strip. Kanyakumari, where three says me. No. Kanyakumari, okay, it is in the southernmost tip of India. We have a tape strip discussion between whom? Mr. Singh and Mr. Ajay Jain. Mr. Singh, good morning sir, how can I help you? Mr. Singh kya bol rahe hain? Good morning sir, how can I help you? In the tape strip, Mr. Ajay Jain, hello, I am Ajay Jain. Hello, I am Ajay Jain. I am planning a holiday trip to the south. Main दक्षिण भारत के एक मैं छुट्टी मनाना चाहता हूँ. उसके ट्रिप करना चाहता हूँ, हॉलीडे ट्रिप. कैन यू गाइड मी? विल यू गाइड मी? विल यू हेल्प मी? विल यू कॉपरेट मी? मिस्टर सिंह, साउथ इंडिया इज फुल ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. साउथ इंडिया जो है टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस के लिए विख्यात है, फेमस है. साउथ इंडिया इज फुल ऑफ प्लेसेस. वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग टूर करके जा सकते हैं. डू यू हैव एनी पर्टिकुलर प्लेस इन माइंड मिस्टर अजय जैन? Do you have any particular place, any specific place in mind? That is it. Can you give me some information about Kanyakumari? Now, Mr. Ajay Jain, you want to know, you want to be acquainted with, you want to be updated with the information about Kanyakumari? Mr. Singh, well, Kanyakumari is located at the southernmost tip of India. Kanyakumari is located at the southernmost tip of India. It is a place where three seas, the Bay of Bengal, the Arabian Sea, and the Indian Ocean. It is a place where three seas are being surrounded, Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean. Mr. Ajay Jain, how can you reach there? Now Mr. Ajay Jain asked, how can you reach there? How can you reach there? Mr. Singh, Kanyakumari is well connected by rail and road. Kanyakumari ko rail se bhi connect kiya gaya hai aur road se bhi. The nearest airport is at the Thiruvananthapuram. Okay, the nearest airport is kahan? Thiruvananthapuram. Which is 87 kilometers away from Kanyakumari. Which is 87 kilometers away from Kanyakumari. Mr. Ajay Jain, what type of clothes should we carry with us during this season? इस सीजन में हम लोग किस तरह के कपड़े लेके जाएंगे? The climate is humid. The climate is very humid. Umas very.
So carry only cotton clothes with you. So it is my advice that you only carry cotton clothes with you. Let me also tell you, Mr. Ajay, that the main languages spoken there are Tamil, Malayalam, English. Mr. Ajay, let me tell you one more thing. The main languages spoken here are Tamil, Malayalam and English. Since most people can understand English, I don't think you will have any problem with it. क्योंकि अधिकतर लोग ये समझते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको भाषा संबंधी कोई दिक्कत आएगी. डोंट हैव टू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इशू ऑफ लैंग्वेज. मिस्टर अजय जैन, कैन यू टेल मी अबाउट द प्लेसेस टू बी सीन देयर मिस्टर सिंह. मिस्टर अजय जैन आस्क द क्वेश्चन, कैन यू टेल मी अबाउट द प्लेसेस टू बी सीन देयर. विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन which you can see, जो हम दे सकते हैं. मिस्टर सिंह, माई प्लेजर सर, इतने सौभाग्य की बात है सर. यू मस्ट विजिट कुमारी अम्मा टेम्पल, गांधी मेमोरियल, लाइट हाउस विवेकानंद, रॉक मेमोरियल एंड डोंट फॉरगेट द बाथिंग घाट. वहाँ के नहाने के घाट को देखना मैं भूलिएगा. विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस. विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट. इट इज़ लोकेटेड ऑन ए ह्यूज रॉक इन द सी एंड इज बिल्ड इन 1970. ये एक बहुत बड़ा चट्टान के ऊपर बना हुआ समुद्र के उम्र में, और ये कब बनाया था, 1970. देर द फेरी सर्विस टू विजिट द मेमोरियल. आपको पानी में जहाज का सुविधा है वहाँ पर जाने के लिए, फेरी है वहाँ. आई एम श्योर यू इन्जॉय द फेरी राइड. कन्याकुमारी इज फेमस फॉर स्पेक्टेकुलर सनराइज सनसेट. कन्याकुमारी जो है बहुत ही फेमस है, बहुत प्रसिद्धि है. यहाँ का जो सनराइज है, सनसेट का दृश्य, सूर्य उगती है, सूर्य ढलती है, इसका दृश्य जो है मन को लुभाने वाले हैं. स्पेशली ऑन फुल मून डेज, खास करके पूर्णिमा के दिनों में. इट्स बीचेस तटे आर वंडरफुल, मल्टी कलर सैंड. बीचेस आर वंडरफुल मल्टी कलर सैंड. सैंड जो है रंग बिरंगे हैं. आई एम श्योर दैट यू एंजॉय योर विजिट. आई एम श्योर दैट यू एंजॉय योर विजिट. आई एम श्योर यू एंजॉय योर विजिट. मिस्टर अजय देव, थैंक यू मिस्टर सिंह. थैंक यू मिस्टर सिंह. वेलकम सर, बाय. सो दिस इज टिप्स की. सो बट द स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू से दैट यू गो थ्रू दिस चैप्टर वंस मोर एंड डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, योर होमवर्क. Okay, thank you. Have a nice day. God bless you.